सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास बोल होती है वो कैसे बाउंस करती है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके ज़रिए हम जो है ना बोल को क्या करवाएंगे, बाउंस करवाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंट आ गया मेरे पास, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो है ना, इंट के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GD, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, GD आ गया, ठीक है। एंड देन मैं कह देता हूँ ये बराबर है डिटेक्ट और कॉमा GM के, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। एंड देन उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ इंटीजर i, ठीक है, कॉमा x और कॉमा y, ठीक है। एंड देन कॉमा फ्लैग, LAG फ्लैग, ठीक है। एंड ये मैं बराबर कर देता हूँ 0 के, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ इंडी ग्राफ आ गया, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मैं कह देता हूँ एड्रेस परसेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहा GD कॉमा एड्रेस परसेंट और GM, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C, ठीक है, कैपिटल में। और ये मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TC, मतलब टर्बो C, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए। एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना है और मैं क्या है कह देता हूँ कि मेरे पास जो एक्स है वो बराबर है किसके, गेट मैक्स के, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, Divide by 2 कर देता हूँ, ठीक है, कॉमा आ गया। इसी तरीके से मैं वाई को बराबर रख देता हूँ 30 के, याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ आगे आता हूँ, यहाँ पे मैं एक लूप यूज़ करता हूँ, वाइल लूप, ठीक है। मैंने कहा वाइल लूप, ठीक है। और यहाँ पे आया और मैंने कहा वाइट और ब्रैकेट्स, ठीक है। एंड देन ब्रैकेट आफ्टर दैट मैं कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट मैंने ओपन कर लिया। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ़ की, मैंने कहा वाई अगर ग्रेटर हो, ठीक है, या बराबर हो किसके, गेट मैक्स वाई के, ठीक है। तो आप क्या कर देना, इसको माइनस कर देना किससे, 30 से। और यहाँ पे मैंने कहा कि अगर वाई ग्रेटर हो किससे, या बराबर होता, ठीक है, ठीक है, तो क्या कर देना, यहाँ पे ब्रेकर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई। अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे आके मैंने कहा फ्लैग, ठीक है, और फ्लैग मैंने कहा बराबर है नॉट इक्वल टू फ्लैग के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेट कलर कर दूँगा, सेट कलर आ गया। और मैं कह देता हूँ यहाँ पे RED रेड। आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप लोग यहाँ पे जो कलर देंगे तो वो उसकी जो स्पेलिंग है वो क्या होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कह देता हूँ सेट फिल स्टाइल पे आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ ऊपर जो है मैं कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। सेट फिल स्टाइल आ गया, ठीक है, सेट फिल स्टाइल आ गया। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ सॉलिड है ये, ठीक है, सॉलिड कह दिया मैंने। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फिल, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, मैंने कॉमा लगाया। एंड देन यहाँ पे मैं रेड लिख देता हूँ, ठीक है, कॉमा लगाया और यहाँ पे रेड, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है, जो मेरे पास सर्कल होगा उसको मैं देता हूँ, सर्कल पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और ये आपको पता है कि हमने 30 डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे कॉमा 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमी कॉलन, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट, ठीक है। और फ्लोट के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लोट फिल आ जाएगा, ठीक है, फ्लोट फिल। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स कॉमा वाई
कॉमा, ठीक है, रेड रेड आ गया, ठीक है, एंड देन यहाँ पे सेमी कॉलन, बिल्कुल इसी तरीके से डिले आ गया, ठीक है, एंड देन उसके मैं क्या कर देता हूँ, 50 रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ भी आ गया 50, ठीक है, एंड कॉमा, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, यहाँ आके मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा यार, क्लियर डिवाइस, क्लियर डिवाइस आ गया, क्लियर डिवाइस, एंड देन यहाँ पे सेमी कॉलन। अच्छा अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ इफ़ की, और मैंने कहा इफ अगर फ्लैग जो है वो क्या हो, ठीक है, फ्लैग जो है ना मैं क्या कहूँ कि वो क्या हो, वाई के बराबर हो, तो वाई को क्या कर दो, प्लस कर दो 5 से, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। एंड देन मैं यहाँ पे कह देता हूँ ब्रैकेट, और यहाँ पे आ जाएगा एल्स, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट्स, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ वाई अगर बराबर हो किसके, वाई -5 के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो आप, ब्रैकेट्स को क्लोज कर दो, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं कह देता हूँ क्लोज ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है, पहले हम कंपाइल करेंगे, उसके बाद हम इसको रन करेंगे, ठीक है, रिटर्न आ गया मेरे पास, रिटर्न में मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया, एंड देन यहाँ पे 0 आ गया, एंड देन उसके बाद कर्ली ब्रेकर्स को क्या कर देता हूँ, ओपन कर दे, बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब आइए हम लोग पहले हम इसको कंपाइल कर देते हैं, ठीक है, एरर आ रहा है, ठीक है, एरर आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं एरर कहाँ पे आ रहा है, ये ऑड की जगह एरर आ रहा है, ठीक है, ये ऑड को हम हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखो इसको हम कंपाइल रन कर देते हैं, अब आपको नज़र आ रहा होगा एरर जो है वो बिल्कुल 0 हो गया, ठीक है, एंड देन उसके बाद रन भी हम कर देते हैं, ठीक है, ये मेरे पास रन आ गया। इसी को जो है मैं क्या कर देता हूँ, सेव फेस कर देता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे यस, ठीक है, अब इसको हम कंपाइल कर देते हैं, देखो यहाँ पे सक्सेस भी आ रहा है और यहाँ पे एरर 0 आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे इसको रन कर देते हैं, ये अब हम जो है ना क्या हो रहे हैं, रन नहीं हो रहा, उसका भी एक रीज़न है, इसको अगर हम लोग सेव कर दें, सेव ऑल कर देते हैं, ठीक है, अब हम इसको रन कर देते हैं, पहले कंपाइल कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया, अब इसको बाद हम क्या कर देते हैं, इसको रन कर देते हैं, प्रोग्राम बिल्कुल हमारा सही है, कोई भी एरर नहीं आ रहा है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है ठीक है, तो ये रन हो गया हमारे पास,